वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा महाद्वीपों का। तो आज का जो टॉपिक है महाद्वीप का, जो 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पूरे पृथ्वी पर, तो उसका आज पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो अफ्रीका महाद्वीप का आज मैं पूरा ये वीडियो लेके आया, इसमें आपको खत्म कर दूंगा अफ्रीका महाद्वीप के पूरे डिटेल से आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर आ गया है पृथ्वी, पृथ्वी में। तो हमारा अफ्रीका कहाँ है, चलिए अफ्रीका ये आ गया अफ्रीका है ना। तो अब ये जो अफ्रीका है हमारा यहाँ पर अफ्रीका, तो अफ्रीका में हमको सीखना है, मतलब अफ्रीका के बारे में सीखेंगे। तो ये अफ्रीका जो है ये पूरा दुनिया में, मतलब क्या है, ये पूरा विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी हाँ सही सुने हैं, ये पूरा विश्व में दूसरा बड़ा महाद्वीप है ये अफ्रीका। ठीक है, ये बात जान ले। इसमें ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये भी आता है कि दूसरा बड़ा महाद्वीप है पूरा विश्व का, और ये भी क्वेश्चन आती है कि जैसे देखिए कितने तरह के रेखा होते हैं। तो होता है ना, आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, 3 तरह के होते हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा, 3 तरह के होते हैं ना। तो क्वेश्चन आती है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों कौन महाद्वीप से गुजरते हैं। तो वही है ये अफ्रीका, यानी ये जो अफ्रीका है इससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। जी आप आज ये बात जान ले। तो इसमें, और ये अफ्रीका महाद्वीप को इसे क्या कहते हैं, इसे विश्व में काला महाद्वीप भी कहा जाता है। ये जो आपका अफ्रीका है इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है विश्व में, और इसे पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। काला महाद्वीप और पठारों का महाद्वीप, जैसे जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको, ये देखिए, तो ये क्या है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, ये देखिए मतलब पठार है। पठार यानी क्या होता है, जैसे ऑटोमेटिक जैसे अपने आप जमीन फट फट के अलग होने लगी, अलग जैसे होता है ना, जैसे एक साथ जुटा है तो अलग होने लगी, अलग। तो यही अफ्रीका है, मतलब हमेशा यहाँ पर क्या होता है, धरती अलग होते 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 रहता है। ठीक है, यह बात आप जान लें। तो यही आपका पठार कहलाता है। जैसे अगर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कैसे, देखिए सारा प्लेट सब एक तरह से जुटा हुआ था, धीरे 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 अलग भी हो रहा है, भारत भी अलग हो रहा है, धीरे 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 अलग हो रहा है, वैसे ही। तो वही आपका पठार कहलाता है, जो ऑटोमेटिक इधर से दोनों तरफ से और बड़ा जैसे गड्ढा हो जाता है, अलग हो रहा है अलग हो रहा है, तो वही आपका पठार कहलाता है, यानी विश्व में इसे पठारों का देश भी कहा जाता है। आज ये बात आप जान ले। ठीक है दोस्त, और इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, इसके जो ये अफ्रीका, इसके उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर दक्षिण में लाल सागर, ये अफ्रीका में है, और उत्तर पूर्व में लाल सागर है, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर क्या है, अटलांटिक महासागर अफ्रीका में, एवं पूर्व में हिंद महासागर, ये अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर है, मतलब कि हिंद महासागर जो भारत का अकेला एक सागर है, महासागर है भारत का, वो अकेला हिंद महासागर भारत का है, ये बात आप जान लें। तो यही आपका पूर्व में इसका हिंद महासागर है। ठीक है, अब इसमें मैं बताऊंगा आपको सर्वोच्च बिंदु, यानी मतलब यहाँ पर कौन से बहुत बड़े ऊंचे मतलब पहाड़ हैं, यही सब, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एशिया का बताया था, उसमें सर्वोच्च शिखर यानी बहुत बड़ा पहाड़, ऊंचा पहाड़, तो माउंट एवरेस्ट था। तो इसमें ये जो आपका ये, इसमें मैं बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा और ऊंचा पहाड़ कौन है, वो है किलिमंजारो। क्या है, वो है किलिमंजारो, जिसकी कुल लंबाई हम बात करें 5,895 मीटर उसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऊंचा, ये आपका यहाँ पर एक माउंटेन है, पहाड़ है अफ्रीका में। ठीक है, जैसे ये आपको फोटो देख सकता है, यही है आपका वो पहाड़। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक झील है, क्या है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है असल झील, बहुत ही असल झील, मतलब झील कैसे होती है, जैसे ये फोटो दिख रहा है, झील कैसे होती है, ऊपर से पहाड़ों से पानी गिरते रहता है, नीचे जाते रहती है। ठीक है, तो मतलब कि, और इसकी हम कुल मतलब नीचे की मीटर की बात करें, तो यहाँ पर जैसे ऊपर से शुरू हुआ और वहां से लेके नीचे तक कुल 106
छप्पन मीटर नीचे है। वो 156 मीटर नीचे तक पानी गिरती है। बहुत ही ये आपका बहुत नीचे जाने वाली मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ी यही आपका बहुत ऊंची बड़ी जो कह सकते हैं तो यही आपका यहाँ पर एक झील है। ठीक है, बहुत सारे झील है लेकिन सबसे प्रमुख झील यही है आपका असल झील। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि यहाँ पर नदियां जैसे अगर ये फोटो देख सकते हैं आप, क्या है फोटो तो देख सकते हैं ये है हमारा नदियां, मतलब इस नदी को देख के आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन सी नदी है, इसका कलर देख के आप बता सकते हैं पानी किस कलर का होता है, नीला कलर का, तो इसका नाम ही है नील, नील नदी इसका नाम है। मतलब मैंने भारत की नदियां मतलब सॉरी विश्व की नदियां का भी वीडियो बना दिया, भारत की नदियों का, बिहार का नदियों का भी वीडियो बना दिया, देख लीजिए जाके, मैंने विश्व का नदियां बना दिया है तो उसमें मैंने जितने भी पूरे विश्व में है सारी नदियों को क्लियर कर दिया इस वीडियो में, आपका जो वो वीडियो है उसी में। ठीक है, तो देख लें जाके भारत की नदियां। ठीक है, तो ये आपका नील नदी है, यही आपका मतलब अफ्रीका का सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी अफ्रीका का कौन सा है, यही है आपका नील नदी। ठीक है, आज आप बात जान ले। और क्वेश्चन आती है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी मतलब सॉरी सबसे लंबी नदी, पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही आपका नील नदी है। ठीक है, जैसे आप मैप में देख सकते हैं सबसे लंबी नदी पूरे विश्व में यही नील नदी है, आज आप बात ये जान ले। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आती है कि विश्व का सबसे बड़ी झील, मैंने तो बता दिया कि सबसे लंबी झील, मैंने वो तो बता दिया था सबसे लंबी जो सबसे नीचे तक जाती है वो तो असल झील था, मैंने तो वो बता ही दिया था जो 156 समुद्र तल से 156 मीटर नीचे तक था, लेकिन इसमें ये अफ्रीका महाद्वीप में ये और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी झील अफ्रीका में सबसे बड़ी झील तो वो कौन सा है, वो कौन सा है आप जानते हैं, जैसे आपने तो नाम सुना होगा इस महारानी का, विक्टोरिया का, विक्टोरिया महारानी का नाम तो सुना ही होगा, जरूर सुने होंगे, तो उसी के नाम पर ये आपका क्या है झील है, तो इसका नाम क्या है सबसे बड़ी यहाँ पर झील है ये अफ्रीका में, तो वो है विक्टोरिया झील, क्या है विक्टोरिया झील। तो ये जो विक्टोरिया झील है यहाँ पर एक नदी का उद्गम होता है, यही से एक नदी का उद्गम होता है, आप जानते ही हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले वो नदी का नाम बताया था, जी हाँ उसका नाम है नील नदी, क्या है उसका नाम है नील नदी, तो वही नील नदी यही जो आपका आ जाता है मतलब ये जो विक्टोरिया झील है यहीं से उस नील नदी का उद्गम होता है, जी हाँ आज आप बात ये जान ले बेहतरीन तरीके से। अब क्वेश्चन आती है कि विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, यहीं पर है अफ्रीका में ही है, विश्व का, बस अफ्रीका की बात नहीं कर रहा पूरे विश्व का, तो वो है सहारा मरुस्थल, क्या है सहारा है, वो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन कि विश्व का प्रसिद्ध पिरामिड एवं स्फिंक्स कहाँ है, विश्व का प्रसिद्ध पिरामिड एवं स्फिंक्स कहाँ है, तो ये आपको मैंने तो नाम बता दिया किसका किसका प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मतलब बहुत उसकी चर्चा होती है, वो है पिरामिड, आप तो पिरामिड को जानते ही हैं, ये जैसे पिरामिड आप देख रहे हैं, और क्या स्फिंक्स, क्या है और स्फिंक्स विश्व प्रसिद्ध वो भी है, स्फिंक्स भी है, तो कहाँ है मतलब कि अफ्रीका में ही है वो देश जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पिरामिड एवं स्फिंक्स है, तो आप जानते ही हैं इसका नाम बता दिए, आपको पता है पिरामिड और स्फिंक्स कहाँ है मतलब अफ्रीका में कौन से देश में, तो वो है मिस्र, क्या है वो है मिस्र, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड एवं स्फिंक्स मिस्र में है, आज ये बात आप जान ले बेहतरीन तरीके से। अब आती है क्वेश्चन कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा देश कहाँ है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा देश कहाँ है, तो आपने मेरी पार्ट एशिया को तो देखा होगा, अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, 7 कॉन्टिनेंट में पहला कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप, तो उसमें मैंने बता दिया है कि सबसे ज्यादा देश और सबसे ज्यादा देश पूरे विश्व में कौन से महाद्वीप में है, तो मैंने बता दिया है, तो आप जानते ही हैं कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ उसी की तो होगी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा देश कौन से महाद्वीप में है, तो वो है आपका ये अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है।
और क्वेश्चन आती है कि सबसे ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन आया था आपका 66वीं यूपीएससी में कि पूरे मतलब पूरे विश्व में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा देश किस में है, तो कुछ ने मारा एशिया, कुछ ने मारा अफ्रीका, कुछ ने मारा अंटार्कटिका, कुछ ने मारा कुछ मारा होगा जो जो ऑप्शन में है, लेकिन सबको लगा होगा ये तो एशिया ही होगा, सबसे ज्यादा महाद्वीप एशिया में होगा, लेकिन ये नहीं है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है। और क्वेश्चन ये भी आती है कि मतलब अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है लेकिन कितना देश है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा देश कौन है और कितना देश है उसमें, तो वो है 54 यानी 54 देश कुल आपके इसमें यानी अफ्रीका में 54 देश हैं कुल। और ये तो आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। और एशिया की बात करें तो उसमें कुल 48 ही देश है, ये बात आप आज जान लीजिए। ठीक है दोस्तों आप मतलब अफ्रीका में नाइजीरिया देश को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, नाम भी सुनेंगे, क्वेश्चन भी बनाए नाइजीरिया देश, नाइजीरिया, आप नाइजीरिया देश को अच्छी तरह से उसका नाम सुने होंगे। तो ये नाइजीरिया जो है अफ्रीका में है, और अफ्रीका में मतलब यही नाइजीरिया को क्या कहा जाता है, नाइजीरिया को क्या कहा जाता है, तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। हाँ, तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है नाइजीरिया को, आज ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अफ्रीका को दो भागों में मतलब दो भागों में बांट दिया गया है, जैसे एक हिस्से को कर दिया है उत्तरी अफ्रीका और एक दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन आती है कि संसार में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका संसार का सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक देश ये दक्षिण अफ्रीका है। दोस्तों आप तो ऑस्ट्रिच के बारे में सुने ही होंगे, बहुत अच्छी तरह से सुने होंगे, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। तो आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा, तो मैं बता दूं किसकी बात कर रहा हूं, अपने इस अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोस्तों आप तो कागज मतलब जैसे आप कागज तो जानते होंगे, हम अपने कागज में हर चीज में करते हैं, पढ़ने लिखने में हर चीज में कागज का उपयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कागज कैसे बनता है, पेड़ों से बनता है, बांस से बनता है, कागज हमारे पेपर वही से पेड़ों से बनता है, बांसों से बनता है, ये सब से हमारे पेपर बनता है। लेकिन कभी आपने घास से पेपर बनाते देखा है, नहीं, मैं बताता हूँ, ये जो अफ्रीका है यहाँ पर एक घास पाया जाता है, उसका नाम एस्पार्टो है, एस्पार्टो घास है जो अफ्रीका में पाया जाता है, एस्पार्टो घास, उससे कागज बनाया जाता है। जी हाँ, पेपर बनाया जाता है, ये अफ्रीका में, यही अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको अफ्रीका भी के बारे में बताया, यहाँ पर एस्पार्टो घास पाया जाता है, उसी से कागज बनते हैं। जी हाँ, आप ये बात आज जान लें। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैंने आज आपको बताया एशिया महाद्वीप के बारे में, एशिया महाद्वीप के बारे में बताया पूरे एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अगला महाद्वीप के बारे में मैं वीडियो लेके आऊंगा, आप अपडेटेड रहिएगा। चलिए लेके आते हैं।